अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग अनदर अनस्ट्रेच ड्रेस बाय मारिया बी लिलन और ये है D9। और बिना देखे ही दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। इसका रीज़न ये है कि इसका कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बट लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, जैसे मैंने वीडियो देख सॉरी इसको ओपन करने से पहले ही कहा था कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। इसका रीज़न ये है कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है और स्पेशली विंटर सीजन में दिस कलर इज़ वेरी नाइस। मस्टर्ड सा शेड है ये और ये सेल्फ प्रिंट फैब्रिक है। इस पिक्चर में इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और ये भी जो है पूरा एक ही जैसा कपड़ा है फ्रंट बैक और स्लीव्स का, और ये काफ़ी होगा। इसको जो है लेंथ अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं। इसमें शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है बट इसकी लेंथ हो सकती है अच्छी खासी, और ए लाइन शर्ट हो सकती है, डबल एक्सल साइज़ भी इजीली हो सकता है। तो ये फ्रंट बैक और स्लीव्स का एक ही फैब्रिक है, अलबत्ता ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। तो अगर लोग ये सोच के लें कि विंटर के हिसाब से आइडियल है, तो इट्स नॉट सूटेबल फॉर ये इसलिए नहीं कि सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि ये पतला सही फैब्रिक है, बट लेलन है, बट पतली भी लेलन है। जैसे इससे पहले का एक कोई ड्रेस था तो उसकी लेलन थोड़ी मोटी थी। ओके, उसके बाद इसका एम्ब्रॉयडर्ड गला है और उसके बाद इसका दामन का बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत है। इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी खूबसूरत है। आई डोंट नो ये इन्होंने इतना सारा क्यों दिया है, क्योंकि मोस्टली ये लोग जो है वो बैक के लिए तो बॉर्डर देते नहीं हैं। ओके, ये चाक, ठीक है ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये चाक का भी बॉर्डर है। इसको आप लोग चाहें तो बैक पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाक में तो आई डोंट नो, मतलब चॉइस है, बैक पे भी कर सकते हैं और चाक पे भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट के दामन का पतला सा बॉर्डर है और उसके बाद जो है इसके चाकों पे भी ये लगेगा तो ये काफ़ी होगा। उसके बाद पिक्चर में दिख नहीं रहा बट डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है कि ये लेस जो है ये चाक के ऊपर लगेगी। तो जहाँ से चाक और हिप का वो चाक जहाँ से शुरू होते हैं, चाक मीन साइड के स्लिट्स, अगर कुछ लोगों को पता नहीं है तो साइड की जो स्लिट्स शुरू होती हैं ये उसके ऊपर ये लगेंगे बंच, ये एप्लिक होंगे। उसके बाद शर्ट का फैब्रिक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फ्रंट बैक और स्लीव्स का यही फैब्रिक है, सेम डिज़ाइन सेम प्रिंट। तो ये स्लीव्स के दो बॉर्डर्स हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली जो मस्टर्ड शेड है उसके साथ ही सारे शेड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। येलो वैसे भी मेरा फेवरेट है बट ये जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसके बाद एक दो ये बॉर्डर्स हैं स्लीव्स के, और स्लीव्स जिस तरह पिक्चर में बेल स्लीव्स बनी हुई है तो ये वैसे ही बन जाएगी। एक ये लूप का डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये जो है ये टेलर को मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज़ नॉट इंक्लूड विद द सूट। तो ये स्लीव्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद दुपट्टा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब ये स्ट्राइप्स वाला होता है फैशन, ये स्ट्राइप्स वाला होता है फैशन में, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद, बट लोग पहनते हैं तो इसलिए मेरी चॉइस पे ना जाए प्लीज़। दुपट्टे के बॉर्डर्स काफ़ी खूबसूरत हैं, तो इससे जो है ये बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मल लुक हो जाएगा। ये पल्लू के बॉर्डर्स हैं और दोनों सेपरेट करके दिए हुए, तो दुपट्टे के पल्लू पे। और अच्छी बात यह है कि ये सिलाई के साथ ही लग जाएंगे स्ट्रेट, या चाहें तो सीढ़ी लेस लगा दें, पर सीढ़ी लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए क्योंकि ये सिलाई के साथ ही लग जाएंगे। तो ये इसे जो है बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मल दुपट्टा हो जाएगा। और साइड पे कोई थिन क्रोशिया लेस लगाई हुई है जो है आपको डाई करवानी पड़ेगी, बेज सा कलर है, इस कलर से मैच करती कोई थिन लेस है। अच्छा, उसके बाद मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो उसका ट्राउज़र है। मतलब मैं खुद अगर बनाऊँ तो मैं इसको शर्ट बना लूँ, क्योंकि ये कलर बहुत ही खूबसूरत, मतलब मस्टर्ड के साथ जो कलर कॉम्बिनेशन है विद पर्पल एंड ग्रीन एंड पिंक, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं इसका प्लेन ट्राउज़र बना लूँ और इसका जो है शर्ट बना लूँ, क्योंकि इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली इस सीज़न में ये बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं, ब्राइट एंड डार्क कलर्स ना, तो दैट्स वॉट आई लाइक। ओके जी, आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। तो ये मेरा फेवरेट सूट है और बहुत ही खूबसूरत है और विंटर के हिसाब से बहुत ही आइडियल है। तो जो है बिना सोचे समझे आप लोग बाय कर सकते हैं इसको।
अच्छा गला इसका एप्लीक होगा। अच्छा ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि हमसे बाय करें क्योंकि हमारे पास अनस्टिच नहीं होते। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है यूट्यूब से तो हम अरेंज कर देते हैं, अदरवाइज़ हम जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्स लेते हैं इंक्लूडिंग स्टिचिंग एंड एवरीथिंग। तो हमारे पास अनस्टिच नहीं होते, इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं इसको ये अपना वो प्रमोट करने के लिए बोल रही हूँ। बट आई पर्सनली लव्ड इट बिकॉज ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी सबकी अपनी पसंद है। दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो जितना कि मुझे अच्छा ड्रेस लगा वैसे ही। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।